हर लड़कों की अपनी जान अपनी बालों पर ही बसता है, क्योंकि बालों से हम ज़्यादातर प्यार करते हैं, क्योंकि बाल हमारे स्टाइल का सबसे बड़ा हिस्सा है यार। इन्हीं बालों को बचाने के लिए, इन्हीं बालों को अच्छी रखने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि किसी भी हद तक जा सकते हैं। ज़्यादातर बाल, जिन लोगों की बाल हेयर फॉल होती है, बाल झड़ते डैंड्रफ की प्रॉब्लम से, वो क्या करते हैं, बहुत सारे कुछ ट्राई करते हैं। सब कुछ ट्राई करने के बाद आता है लास्ट ऑप्शन पर, यानी कि सर मुंडवाना, हेड शेप पर। टकला हो जाते हैं हंसते हंसते, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें टकला होने से हमें लुक जो है बदल जाएगा, 2-3 महीने तक हम बहुत बुरा देखेंगे, फिर भी हम टकला हो जाते हैं, क्योंकि हमारे बाल जो है हमें बचाना है। बहुत सारे लोग जानते हुए भी हमें डैंड्रफ जो है वो मिट जाएगा, बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला है, इसलिए हेड शेप कराता है। बहुत सारे लोग यू ही जाने बगैर ही हेड शेप करा देते हैं, क्योंकि गर्मियों का सीज़न आते हैं। लेकिन आज मैं पोपार बताने वाला हूँ कि हेड शेप करने से क्या क्या होता है, क्या आपकी जो हेयर फॉल रुक जाता है, क्या आपकी डैंड्रफ मिट जाता है, क्या जो आपकी जो हेयर चला गया क्या धीरे धीरे वो हेयर भी रीग्रो होगा। बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, आज मैं सारे क्वेश्चन की आंसर देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं हर साल एक बार गंजा होता हूँ, मतलब कि टकला होता हूँ। तो टकला होने के पूरा फ़ायदा आज मैं बताने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल हिंदी हेल्थ टिप्स फॉर यू को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बहुत सारे लोगों को मानना है, बहुत सारे लोग कहते भी है कि सर मुंडवाने से, यानी कि हेड शेप करने से हेयर फॉल रुक जाता है और नया हेयर आ जाता है, सारे के सारे डैंड्रफ ख़त्म हो जाते हैं। तो ये बात कितनी सच है, देखिए सर मुंडवाने से हेयर फॉल के साथ कोई भी संबंध नहीं है। सर मुंडवाओ, जो कुछ भी करो, अगर आपके हेयर फॉल हो रहे हैं तो हेयर फॉल ज़रूर होंगे। तो क्या करें कि सर मुंडवाने से हेयर फॉल रुक जाता है? देखिए, अगर आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, समझ लो, अब हेयर फॉल को रुकने के लिए किसी भी तरह की ऑयल, किसी भी तरह की मेडिसिन आपको हेयर में लगाना है, हेयर की जड़ तक लगाना है या स्काल्प पे लगाना है। अब जब हाथ में लेकर आप ऐसे बालों में लगाओगे तो आपकी हेयर फॉल हो रहे, तो इसी लगाने से आपकी हेयर फॉल और भी बढ़ जाएगा। मतलब आपकी लगाने के साथ साथ आपके हाथ में देखोगे 2-4 बाल ऐसे आसानी से चला आया। तो जब आप टकला हो रहे हो, जब आपके सर मुंडवा दे रहे हो, सर पर कोई भी बाल नहीं है, तो आपकी किसी भी मेडिसिन को रूट पर लगाना है, एकदम स्काल्प पर लगाना आसान हो जाता है। मतलब आपके सर में कोई भी बाल नहीं है, आप किसी भी तरह से किसी भी मेडिसिन को आपके रूट तक पहुँचाना बहुत ही ज़रूरी होता है और वो आसान हो जाता है। तो जो मेडिसिन अगर काम करेगा तो आपकी जो हेयर फॉल धीरे धीरे रुक जाएगा। और रही बात डैंड्रफ की, तो डैंड्रफ भी सर मुंडवाने से रुक जाता है, एक बार शेप करने से नहीं रुकता। देखिए, मैं सालों में एक बार गंजा जरूर होता हूँ, मैं टकला जरूर होता हूँ, क्योंकि देखिए मेरा बालों में कोई भी हेयर फॉल नहीं है, एकदम से ठीक ठाक है, बालों में अच्छी वॉल्यूम भी है। देखिए, अगर आप सर मुंडवा रहे हो ठीक है, लेकिन सिर्फ सर मुंडवाने से कुछ नहीं होगा, आपको 20 दिनों तक लगातार सर मुंडवाते जाना होगा। पता है कि आपकी स्टाइल के साथ बहुत ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लेकिन ये करना पड़ेगा। आप एक दिन के बाद एक दिन, मतलब 20 दिनों तक एक दिन के बाद एक दिन सर मुंडवाते जाओ, एकदम से शेप करते जाओ, शेप करते जाना है। तो आपके सर में जितने भी डैंड्रफ होगा वो सारे के सारे क्लियर हो जाएगा, और आपकी डैंड्रफ बहुत दिनों तक, 2-4 सालों तक आपकी डैंड्रफ जो है ख़त्म हो जाएगा। तो आपकी डैंड्रफ को मिटाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया तरीका है आपकी हेड को शेप कर लेना, क्योंकि डैंड्रफ हमारी हेयर फॉल के लिए एक खतरनाक चीज़ होता है, कि डैंड्रफ की वजह से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। ज़्यादातर लड़के अपने बालों पर चाहे वो ऑयल हो, चाहे सीरम हो, चाहे हेयर वैक्स, हेयर जेल, कुछ ना कुछ यूज़ तो करता है। इन्हीं सब चीज़ यूज़ करने के बाद जब आप रोड पर घूमते हो, तब क्या होता है कि रोड की धूल मिट्टी आपकी बालों पर लग जाता है, आपकी धीरे धीरे स्काल्प पे एक मैल जम जाता है। इन्हीं मैल जमने से क्या होता है कि बालों के रूट जो होता है बहुत ही वीक हो जाता है। रूट वीक होने के बाद धीरे धीरे हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। लेकिन अब जब हेड शेप करोगे, जब आप सर मुंडवाओगे, तब क्या होता है कि इन्हीं सब धूल मिट्टी धीरे धीरे ऐसे शेप करने के साथ साथ वो भी निकल जाएगा। तो अगर आप 20 दिनों तक आप अपनी हेड को एकदम क्लीन रख पाओगे, तो आपकी जो हेयर फॉल है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 20 दिनों तक आप अपनी हेयर को जो है जो चीज़ देना चाहते थे, मतलब आप हेयर प्रोडक्ट जो है यूज़ करना चाहते, समझ लो आप कैस्टर ऑयल या विटामिन ई यूज़ करना चाहते थे, लेकिन आप इतनी हेयर फॉल होती थी आपको कि आप सर में ऐसे हाथ देते तो बहुत ज़्यादा हेयर आ जाते थे। आप कुछ यूज़ करना चाहते थे लेकिन यूज़ कर नहीं पाते, क्योंकि यूज़ करने से 2-4-5 हेयर इतनी आसानी से आ जाते थे। तो बिना कुछ हेयर नहीं, कोई भी हेयर नहीं, तो कुछ भी लगाना है तो आसान हो जाता है। तो कुछ भी लगाओ सर पर, एक बेझिझक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और जो आपकी जो हेयर फॉल है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, नया हेयर आने में मदद करेगा। देखिए, बेसिकली हेयर मुंडवाने से
सर मुंडवाने से फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन सर मुंडवाने के बाद आप जो मेडिसिन यूज़ करना चाहते हैं तो वो आसानी से यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आपके हेयर में वो सहायता कर सकते हैं। दूसरी बात, 20 दिनों तक लगातार मैं जैसा शेप करता हूँ कि मैं 20 दिन तक, साल में तो मैं एक बार करता ही हूँ अपनी हेड शेप, और 20 दिनों तक मैं एक दिन के बाद एक दिन करते जाता हूँ, और इसलिए हमारी जो है डैंडरफ बिल्कुल आती नहीं। आप देख रहे हो मैं किसी भी तरह की डैंडरफ की प्रॉब्लम्स नहीं है और बालों पर अच्छी वॉल्यूम भी है। तो डैंडरफ खत्म हो गया, हेयर फॉल अब भी खत्म हो गया, और आपकी जो बालों के ऊपर जो धूल मिट्टी स्कैल्प पे जमते हैं तो वो अगर ख़त्म हो जाएगा, तो आपकी जो हेयर पहले से झड़ गया था उसके ऊपर से अगर धूल मिट्टी हट जाए तो वो जो रूट बच गया था, जो रूट अभी भी बचा हुआ है, वह से नया हेयर आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो आप अपनी हेयर को बचाना चाहते हो तो आप साल में एक बार, यानी कि गर्मियों के सीज़न पर आप एक बार तो ज़रूर अपनी हेड को शेप कर लो, और हेड शेप करने से आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदा आएगा। लेकिन एक बार नहीं, मैं बता दिया हूँ पहली बार कि आप 20 दिन तक आपको शेप करते जाना है, स्टाइल के साथ थोड़ी बहुत सेक्रीफाइस करो तभी तो आपकी बाल बचेगा ना। तो 20 दिनों तक आपको शेप करते जाना है, 20 दिन के बाद जब आपकी हेयर धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा तो टोटल 100 दिन के बाद आपकी हेयर पहले जैसा था वैसा हो जाएगा। तो 100 दिन के बाद देखना है आपकी कितना हेयर फॉल होना बंद हो गया और कितना नया हेयर आया है, और डैंडरफ तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो हेयर के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो अगर आप सर मुंडवाना चाहते हो या सर मुंडवाने के एक्सपीरियंस कुछ है तो हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और इस वीडियो आपके लिए कुछ बेनिफिशियल है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ हमारी चैनल हिंदी हेल्थ टिप्स फॉर यू को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम सभी विषय पर वीडियो लाते हैं जो है आपके लिए बहुत ही ज़रूरत होता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें।